नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आप सब जानते हैं कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें कुछ मन होता है चटपटा खाने का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर की ही बची हुई चीज़ों से कुछ चटपटा खाने के लिए। तो हमारे पास सुबह की बची हुई चपाती है और सब्जी है, हमने सोचा क्यों ना उसी का कुछ चटपटा नाश्ता जो लंच में खाने के लिए स्नैक्स तैयार किए जाएं। तो हमने अपनी चपाती ले ली है, उसके ऊपर हमने टमाटो सॉस लगा लिया है। आप चाहे तो टमाटो सॉस लगा सकते हैं, मेयोनी या हरी चटनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने सॉस लगाने के बाद जो हमारी सब्जी है उसको अपनी चपाती के ऊपर अच्छे से सेपरेट कर लेंगे पूरी तरह सब्जी, जिससे कि हमारी चपाती अच्छे से कवर हो जाए। और हमारे पास चीज़ बचा हुआ था तो हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। ये चीज़ हम अपने सब्जी के ऊपर लगा देंगे और पूरी सब्जी को चीज़ के साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि चीज़ जो है वो अच्छा लगता है। ये जो सैंडविच है ये बच्चे तो छोड़ो बड़ों को भी पसंद आएगा। हमने चीज़ से पूरी सब्जी को कवर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी जो दूसरी सॉस लगी चपाती है उसको कवर कर देंगे। देखिए हमारा चीज़ पूरी तरह सब्जी को कवर कर रहा है। अब हम इस पे अपनी दूसरी चपाती रख देंगे, उसके बाद हम अपना सैंडविच मेकर लेंगे। सैंडविच मेकर लेने के बाद हम उस पे घी, तेल, बटर जो भी आपके पास हो उससे आप अपने सैंडविच मेकर को ग्रीस कर लें। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप देसी घी के साथ ही अपने सैंडविच मेकर को ग्रीस करें, क्योंकि देसी घी का जो टेस्ट है वो हमारे सैंडविच को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। इससे सैंडविच जो है और टेस्टी लगता है, और हम देसी घी के साथ सैंडविच मेकर को तो ग्रीस करेंगे ही, और अपने चपाती के ऊपर भी थोड़ा सा देसी घी छोटे छोटे टुकड़ों में लगा देंगे। एक हम बनाएंगे चीज़ वाला सैंडविच और एक बनाएंगे हम बिना चीज़ वाला और बिना घी वाला सैंडविच। तो देखिए हमारा सैंडविच अब जा रहा है हमारे सैंडविच मेकर में। अब हम दूसरा अपना सैंडविच तैयार करते हैं। दूसरी चपाती पे भी हम अपनी टमाटो सॉस लगा लेंगे, और सब्जी डाल के अच्छे से कवर करने के बाद इसको भी हम अपने सैंडविच मेकर में डाल देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ये है क्विक रेसिपी जो झटपट बन जाती है और कोई टाइम भी नहीं लगता, और खाने में भी हेल्दी है, टेस्टी है। ये देखिए हमारा सैंडविच हो चुके हैं। अब हम इनको ओपन करके आपको दिखाते हैं और कट करके दिखाते हैं कि हमारे सैंडविच कैसे बने हैं। तो ये देखिए हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। और आप सब हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे ही छोटे मोटे स्नैक्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।